फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अभी आपने देखा ना कि मैं अकेला कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना कुछ काम है मॉल में, मुझे DHL से एक कोरियर लेकर आगे फॉरवर्ड करना है इंडिया। अपने फ्रेंड के लिए कुछ मुझे सेंड करना है। मैं अपने फ्रेंड के लिए नहीं कर रही हूँ, उसने खुद ही किया है अपने लिए कुछ ऑर्डर, और मुझे बस उसके एड्रेस पे उसको कोरियर करवाना है, दैट्स इट। उसने ना अपने लिए एक्चुअली एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है, जिसकी डिलीवरी ना डायरेक्ट इंडिया में होती नहीं है, वो US कनाडा में होती है। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि तू अपना एड्रेस दे दे, उसने मेरे एड्रेस पे कोरियर किया है, एंड नाउ आई एम कोरियरिंग इट, फॉरवर्डिंग इट टू हिम ऑन हिज एड्रेस। मैं बस वहीं से ही पिक करूँगी कोरियर कंपनी के एक लोकेशन से, और फिर उसको वहीं से ही फॉरवर्ड कर दूंगी। सॉरी गाइस, क्लिप थोड़ा सा ठीक नहीं आया क्योंकि मैं स्ट्रॉलर भी चला रही हूँ एक हाथ से, तो थोड़ा सा ध्यान भी बटा हुआ है। और पहले तो यार सबको हैप्पी तीज, आज यहाँ पर तीज है, और अभी मैं ऑब्वियसली सूट पहन के तो मॉल नहीं आ सकती थी, घर जाकर आई ड्रेस अप, सूट एंड बैंगल्स, थोड़ा सा मेकअप लिटिल बिट, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी इंडियन लुक। कुछ स्पेशल नहीं है, घर पर ही है, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं कर रहे, बस सोचा कि हरियाली तीज है तो थोड़ा ग्रीन कलर का सूट पहनकर सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपको ये मॉल दिखाया हुआ है, और इस मॉल में सच में कुछ भी स्पेशल नहीं है, थोड़े से आउटलेट्स हैं बस, बट एक कोरियर कंपनी है, कैनेडा पोस्ट भी है, बट कैनेडा पोस्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं कोरियर कंपनी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ अपने साथ। लाइन अप फॉर एलिवेटर एज यू कैन सी, तो हम लाइन में खड़े हुए हैं, देखते हैं। इस बार में तो नहीं जा सकते बिकॉज द 3 पीपल गोइंग इन। गो अहेड, अब आ गई है हमारी बारी। डोंट वरी गाइज, मेरे पास सैनिटाइजर है, मैं अभी हैंड सैनिटाइज करूंगी। कुछ ज्यादा ही सैनिटाइजर आ गया था मेरे हाथ में, मेरे हाथ बहुत वेट हो गए। एनीवे, ये आ गया गाइज कैनेडा पोस्ट, लेकिन पता है मैं कैनेडा पोस्ट यूज नहीं कर रही हूँ, इतना दिमाग खराब हो रहा है। राखीज भेजी थी अपने भाइयों के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे, किसी को भी राखी नहीं मिली। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी किसी को राखी टिक्का कुछ नहीं मिला था, तो अब लग रहा है नेक्स्ट टाइम DHL से ही भेजना पड़ेगा। गाइज, एक काम तो हो गया कुरियर लेने का, बट जो उसको आगे फॉरवर्ड करना था वो काम हो ही नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि आपको जिस पोस्टल कोड पर वो कुरियर सेंड करना है, वो पोस्टल कोड उनके रिकॉर्ड्स में नहीं है। उनके पास सिर्फ 4 पोस्टल कोड्स हैं, उन्हीं में से एक पर वो सेंड करना पड़ेगा। सो नाउ आई हैव टू चेक विद माई फ्रेंड इफ ही कैन get it delivered to any of those 4 postal codes, maybe on somebody else's address, and then वहाँ से collect कर ले। So let's see. Now obviously I'm going back home. Kyla is having a fun time. उसे अच्छा लगता बाहर आकर mall में, वैसे ना वो ज़्यादा देर किसी shop वॉक पर तो नहीं रहती, बार बार घूमना उसको अच्छा लगता, open होना चाहिए, but अभी तो शांत है, touchwood. अभी हैंड सैनिटाइज करूँगी थोड़ी देर में, बाहर निकल रही हूँ मॉल से, और कॉफ़ी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मन तो कर रहा थोड़ी सी कॉफ़ी ले लूँ। चलो अब मैं जा रही हूँ घर, और घर जाकर ना आपको एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट बताना है यार, जो मेरे साथ कल हुआ, और अभी तक वो मिस्ट्री है। तो अगर कोई बता सकता है कि ये क्या हुआ होगा तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताना, और मैं घर जाकर बताती हूँ कि हुआ क्या था कल। गाइस, आपने देखा ना कि यहाँ पर डोरबेल होती नहीं है घरों में, इसलिए खुद ही लॉक खोल के आना पड़ता है, जबकि मोहित वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आज, घर पर ही हैं, बट फिर भी क्योंकि डोरबेल नहीं है, मुझे खुद ही दरवाज़ा खोल के आना पड़ा। यहाँ पे घरों में डोरबेल्स नहीं होती, कोई किसी को बिना बताए आता नहीं है,
कोई किसी को सरप्राइज नहीं देता, सब पूछ के आते हैं, डिसाइड करके आते हैं कि अच्छा हम इस दिन तुम्हारे घर आएंगे, चलो वट एवर। ये देखो कायला, इसको बस देखना अपने आपको स्क्रीन में, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ। कायला कायला से हाय। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आपने देखी ना मेरे यमी फूड की फोटोज़। हमने लंच में तो खाए थे छोले कुलचे और वो अमृतसरी कुलचे होते हैं ना स्टफिंग वाले, आलू वाले, बहुत ही यमी थे। मुझे हमने पहली बार इस शॉप से ट्राई किए थे और वो काफ़ी बढ़िया थे। अगर किसी को जानना हो जो कनाडा में रहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं, तो वो है कॉन्टलिन, कॉन्टलिन पिज़्ज़ा के नाम से शॉप है, बट वो इंडियन फूड भी बनाते हैं, तो बहुत ही अमीर है। और डिनर में हमने खाया था पिज़्ज़ा। अब सब कुछ करके हम रेडी हो गए हैं टू गो फॉर अ वॉक। लेकिन वॉक पर जाने से पहले ऑब्वियसली मैं सूट चेंज कर लूँगी, कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहन कर जाऊँगी वॉक पर। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको एक तो वो चीज़ें दिखा, अच्छा मैंने तो आपको बताया नहीं, मैं आपको बताने वाली थी कि ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ जो शायद कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन हुआ हो तो ज़रूर मुझे कॉमेंट बॉक्स पर बताना। और मेरे पास एक कॉल आया था रिसेप्शन से, हमारे बिल्डिंग के कॉन्सियर्ज से, कि हमारे कुछ पैकेट्स डिलीवर हुए हैं हमारे ओल्ड एड्रेस पे। हमारा ओल्ड एड्रेस क्या था, जिस बिल्डिंग में हम अभी रहते हैं उसकी सिस्टर बिल्डिंग है, इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों का कॉन्सियर्ज कॉमन है। और जो वहाँ पर लोग काम करते हैं वो हमें जानते हैं क्योंकि हम उनसे मिलते रहते हैं, तो दे आर ऑल इंडियंस, तो बात बात होती रहती, तो वो जानते ही हैं। तो उन्हें पता था बाय नेम कि ये कुरियर हमारा, बट एड्रेस हमारा पुराना वाला था जहाँ हम 1.5 साल पहले रहते थे। हम 1.5 साल से इस घर में रह रहे हैं। और एक कुरियर आया उस एड्रेस पे मेरे नाम पे अमेजोन से। तो अमेजोन, तो ऑब्वियसली हमने अमेजोन से बहुत चीज़ें ऑर्डर की थी मेरे नाम पे जब हम वहाँ रहते थे। तो अब ये कैसे हुआ कि अमेजोन से कुछ सामान आया जो हमने कभी ऑर्डर ही नहीं किया? तो पहले तो मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। पहली चीज़ है ये आईफोन 11 प्रो का कवर है गाइस, और तीज पे मुझे गिफ्ट मिला क्योंकि ये भी ग्रीन कलर का है। ये मेरे तीज के गिफ्ट हैं। और दुख की बात तो ये है कि हमारे घर में किसी के पास आईफोन 11 प्रो जो भी है ये है ही नहीं जो हम यूज़ कर पाए, राइट? तो ये तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। दूसरा इसके साथ साथ आया था ये, और ये है आईफोन की ही वो है USB, तो ये 4 का पैक है। अगेन आईफोन हमारे घर में है ही नहीं, तो ये भी किसी काम का नहीं है। और ये आइटम्स ना इस वाले पैक में आए थे, और एक इनमें से आइटम अलग आया था, वो बॉक्स में आया था। और तीसरा आया था ये ये बहुत फनी है, ये एक ऑइंटमेंट है टोनेल फंगस के लिए। तो जो भी है, इनमें से कुछ भी हमने ऑर्डर नहीं किया कभी भी। और अमेजोन के एंड पे अब जो हमें समझ आ रहा है वो यही हुआ है कि अमेजोन के एंड पे गलती हो गई है, उन्होंने किसी और का ऑर्डर मेरे उस एड्रेस पे भेज दिया जहाँ मैं 1.5 साल पहले रहती थी। एनीवे, तो ये हुआ है मेरे साथ। मैं करने वाली हूँ कि अमेजोन को कॉल करने वाली हूँ, अमेज़ॉन से पूछने वाली हूँ कि भाई ये क्या हुआ है, ये सामान मेरे पास क्यों आया है। और कल से मुझे मौका ही नहीं मिला है करने का, बट मैं कल डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि आज भी तीज थी और आपको पता है मेरे को जाना भी था बाहर, और कायला के साथ तो पूरा दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। तो ये सब मैं बिज़ी होने की वजह से अब मैं ये कल पता करूँगी कि अमेज़ॉन से गलती कैसे हो गई है। तब तक के लिए मुझे सामान संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है ना, नॉट ओनली अमेजोन, किसी और साइट से आपने कभी कुछ ऑर्डर ना किया हो और वो आ जाए, और अच्छा तो लगता ही है कि हमारे लिए गिफ्ट आ गया जिसके लिए वी हैव नॉट पेड ऑल्सो। लेकिन जब आपको पता चले कि वो आपके किसी काम का ही नहीं है, तो फिर दुख बहुत होता है, वो मुझसे पूछो आप लोग। तो गाइज यही हुआ था, एक अनयूजुअल सा इंसिडेंट मेरे साथ कल, और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कि कभी किसी के साथ हुआ होगा, हुआ हो तो ज़रूर शेयर करना।
और तब तक के लिए आप खुश रहना, सेफ रहना, हैप्पी रहना, जब तक कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं मिलती और दोबारा से ये सब नहीं बोलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहो और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ हैप्पी तीज। अरे आपकी तो हो गई, बिलेटेड हैप्पी तीज। और मुझे उम्मीद है कि सबने बहुत मजे किए होंगे। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और अपना ध्यान रखना। बाय।